चलिए आज हम सीखेंगे सिंपल मशीन के बारे में। तो सिंपल मशीन आप बहुत सारा यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, है ना, सीज़र हो गया, प्लायर्स हो गया, नाइफ हो गया, तो बहुत सारा सिंपल मशीन आप यूज़ करते हैं। सो ये सिंपल मशीन्स क्या है और कैसे हमारी मदद करते हैं, तो ये हम आज सीखेंगे। तो चार पॉइंट्स है जिससे हम समझ सकते हैं द सिंपल मशीन्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि दे एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लायर तो वो क्या करते हैं, जो हम जो फोर्स देते हैं उसको वो बढ़ा देते हैं। जैसे यदि हम 100 न्यूटन लगाते हैं तो वो उसको 300 न्यूटन बना देते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो याद कीजिए फोर्स मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन एनर्जी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है जैक, है ना, तो हम हल्का फोर्स लगा के एक बड़ी गाड़ी को उठा सकते हैं, तो हम तो कम फोर्स लगा रहे हैं एफर्ट और वो ज़्यादा फोर्स बना के मशीन के ऊपर दिस कार के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्लायर्स भी है। फिर सेकंड पॉइंट है कि दे एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, तो हमारा वो काम जल्दी फास्ट कर देते हैं। तो हम जो एफर्ट को हल्का सा मूव करते हैं तो लोड ज़्यादा मूव हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा काम करते हैं तो स्पीड ऑफ डूइंग वर्क इज इंक्रीज्ड। तो जैसे सीजर आप बोल सकते हैं, नाइफ बोल सकते हैं, हल्का सा आप ऐसे मूव कीजिए तो लंबा सा पेपर कट जाएगा। तो इस तरह से स्पीड मल्टीप्लायर होता है, दे एक्ट इज़ द स्पीड मल्टीप्लायर। और फोर्स मल्टीप्लाई में हम कम फोर्स लगाते हैं तो हम बोलते हैं इट मेक्स आर वर्क इजियर। स्पीड मल्टीप्लायर है तो दे मेक आर वर्क फास्टर, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, सो दे चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। तो जैसे हमें फोर्स लगाना है, यदि हम डिफ़िकल्ट तरीके से फोर्स लगाएंगे डिफ़िकल्ट पॉइंट में तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि हम आसान जगह में हम फोर्स लगाएंगे तो, और वो फोर्स कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो मशीन वही करते हैं, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो पेडल आपके पाँव के पास में है, जहाँ आप पाँव रखते हैं वही है, पेडल में ही रखते हैं और वहीं फोर्स लगाते हैं। लेकिन आपको फोर्स लगाना है व्हील पे, तो आप देखेंगे तो जो चेन कनेक्टेड रहता है व्हील के साथ, है ना, तो पेडल एंड चेन सिस्टम इन द बाइसिकल द गुड एग्जांपल ऑफ सिचुएशन वेयर द सिंपल मशीन्स चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। और एक पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो जैसे सिंगल फिक्स्ड पुली ये काम करता है, जैसे हम कोई पानी उठाते हैं वेल से डायरेक्टली बकेट से तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन उसी को यदि उसी रोप को हम यदि पुली के थ्रू से करेंगे तो हमको फिर नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है, विच इज़ ईजियर कम्फर्टेबल, है ना।